वेलकम फ्रेंड्स, लेट अस डिस्कस कि आप लोग मैथ्स पेरेटस के साथ कैसे सी सेट क्वालिफाई करोगे। सो इन सी सेट पेपर देर आर 80 क्वेश्चंस विच आर टू बी डन इन 120 मिनट्स। आउट ऑफ दीज 80 क्वेश्चंस अप्रोक्सीमेटली 25 से 30 सवाल होता है कॉम्प्रिहेंशन का और डिसीजन मेकिंग का, और रिमेनिंग 50 से 55 क्वेश्चन आता है एप्टीट्यूड का और रीजनिंग का। सो गाइज, अगर आप लोग मैथ्स पेरेटस के साथ ये क्लासेज अच्छे से अटेंड करते हो, सो विल टेक योर प्रिपरेशन टू दैट लेवल, रादर विल टेक योर कैपेबिलिटी टू दैट लेवल कि इस 50-55 सवाल में से आप ऑन द एग्जाम डे 40 से 42 सवाल आप ठीक कर पाओगे इन अ गिवन टाइम ऑफ 75 मिनट्स। सो जो 120 मिनट का टाइम है टोटल, उसमें से 75 मिनट्स में अप्रोक्सीमेटली आप 40 से 20 सवाल आप ठीक कर पाओगे। विल टेक इट टू दैट लेवल। अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनका मैथ से बैकग्राउंड नहीं है या उन्होंने 10th के बाद कभी मैथ छुआ ही नहीं है इन एनी कोर्स, तो आप जैसे लोग भी, एंड वी आर प्रीटी कॉन्फिडेंट अबाउट इट, आप जैसे लोग भी अगर 40-42 नहीं, कम से कम 32-33 तो आप ठीक कर ही दोगे। और 32-33 ठीक करने का मतलब है इन इटसेल्फ इट्स अ स्कोर ऑफ 40%। हमें कट ऑफ के लिए कितना चाहिए? 33%। सो जिनको मैथ्स बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है, जो लोग मैथ्स में बिकॉज ऑफ देयर बैकग्राउंड, आप जैसे लोग भी यू कैन डिपेंड ओनली ऑन एप्टीट्यूड क्वेश्चंस फॉर क्वालिफाइंग योर सी सेट। एंड ऑफ कोर्स बाकी 25-30 इंग्लिश के सवाल हैं, उसमें से आप 2-4 नंबर लेके आ सकते हो, लेकिन अगर वहां से आपका जीरो आता है, कुछ नहीं आता आपका वहां से, इनफैक्ट 2-4 नंबर नेगेटिव के आ जाते हैं बेशक, तब भी यू कैन बी अश्योर्ड कि आपने जो ये सीखा है इससे आप अपना सी सेट क्वालिफाई कर सकते हो। एनीवे, जो इंग्लिश का सवाल आता है दैट इज क्वाइट अनप्रेडिक्टेबल, उसके मल्टीपल आंसर हमें लगता है कि ठीक हो सकता है। सो इट्स इवन बेटर आइडिया कि आप अपना सी सेट क्वालिफाई करने के लिए एप्टीट्यूड पर ही डिपेंड करो, न कि आप कॉम्प्रिहेंशन या डिसीजन मेकिंग वाले सवालों पर आप डिपेंड करो। अनदर थिंग गाइज, कि जो ये 40-42 का हमने ठीक करने का आपको बताया 50-55 में से, दिस इज लाइक एवरेज जो कि अचीवेबल है बड़े आराम से। अगर तुम में से कुछ लोग अच्छी मेहनत करने को तैयार हो, और हम जिस तरीके से आपको इन क्लासेस में पढ़ाएंगे, हम जिस तरीके से क्लासेस में पढ़ाएंगे, तो आप 50-55 में से 47-48 भी ठीक कर सकते हो द वे वी विल टीच यू इन दिस क्लासेस। सो 40-42 हमने एवरेज स्कोर बताया, हमने आपको इज वेरी रियलिस्टिक स्कोर, ठीक है। सो गाइज, अब सवाल आता है कि इस कैपेबिलिटी जाने के लिए क्या करना होगा, एफर्ट क्या लगेगा। सो गाइज, टू टेक यू टू दिस कैपेबिलिटी व्हाट वी नीड इज एफर्ट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 40-50 आवर्स विद मैथ्स पेरेटस। बस इतना ही करना है, बाकी जो टाइम है यू कैन स्पेंड ऑन जीएस पेपर 1, जहां से आपको ज्यादा पढ़ाई करना, ज्यादा टाइम लगाना, बिकॉज दैट इज अ प्लेस वेयर कट ऑफ विल बी डिसाइडेड, एंड दैट इज अ प्लेस जहां से डिसाइड होता है कि आप मेंस लिखोगे या नहीं लिखोगे। सिर्फ इतना हमारे साथ आप मेहनत करके यू कैन बी रेस्ट अश्योर्ड कि आपका सी सेट क्वालिफाई हो जाएगा। लेट अस नाउ डिस्कस कि हम लोग कैसे करेंगे। सो गाइस, देयर आर 3 स्टेप्स, दिस इज स्टेप नंबर 1। सबसे पहले तुम लोग क्या करोगे, द फर्स्ट थिंग इज यू विल गो थ्रू वीडियो क्लासेस ऑफ अप्रोक्सीमेटली 40-50 आवर्स। अब गाइज, इन वीडियो क्लासेस में है क्या, तो हर एक क्लास होगा 1-1.5 घंटे का, ठीक है। उस क्लास में शुरू के 10-15 मिनट द टीचर विल टेल यू अप्रोच कि कैसे उस टॉपिक को हैंडल करना है, और बाकी जितना भी टाइम है 10-15 मिनट के बाद, उसमें टीचर बड़े सारे आपको क्लास में ही क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे। अब ये क्वेश्चन कौन से होंगे क्लास में? सो गाइस, सबसे पहले यूपीएससी सी सेट में अभी तक जितने भी सवाल आए हैं, तो सी सेट पहली बार कब हुआ?
2011 में हुआ, 2011 से 2022 तक 523 सवाल आज तक सीसेट में आए हैं। सो 523 के 523 सवाल टीचर क्लास में कराएंगे। इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन भी टीचर क्लास में कराएंगे विच आर रेलेवेंट टू यू, विच आर मोर रेलेवेंट टू यू। अब वो रेलेवेंट कैसे है मैं भी आपको बताऊंगा। सो अप्रोक्सीमेटली 800 के करीब सवाल तो टीचर खुद ही आपको क्लास में ही कराएंगे। अनदर थिंग गाइस, सो इन क्लासेस का ऑब्जेक्टिव खूब सारे सवाल कराना नहीं है। हमारा ऑब्जेक्टिव ये कभी नहीं है कि हम आपको 500 सवाल करा दें और सबका सोल्यूशन बताते जाएं। नहीं, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम आपको सिर्फ 5 सवाल कराएं और उस 5 सवाल में ऐसी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपको दें जो 500 के 500 सवाल पे काम करेगी। सो आइडिया इज टू टीच यू रादर देन जस्ट सॉल्विंग सॉल्विंग सॉल्विंग, वो नहीं है। सो वी आर गोइंग टू टीच यू। अगर आपको अब देखना है कि क्लास में हम लोग कैसे हाउ डू वी ब्रिंग द कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, आप मैथ्स पैरेटस की वेबसाइट पे जाइए। वहां हमने 2-3 क्लासेज फ्री ऑफ कॉस्ट वहां डाल दिया है, उसमें से कुछ क्लास आप चला के देखिए और वहां देखिए कि टीचर किस तरह की इसे क्लास में पढ़ाता और आपको वो समझ में आ रहा है या नहीं। Let us come to second step now. So guys, second step में we'll give you a online question bank of 2000 questions. अभी 2000 question कहाँ से आया? Okay, सबसे पहली बात, these 2000 questions are of course with the detailed explanation. But ये 2000 question नहीं क्यों? Why not 10,000 question? ये 2000 question कहाँ से आया? So guys, after lot of analysis, हम लोगों ने ये 2000 का क्वेश्चन बैंक एक बनाया और हमारा ऐसा सोचना है कि आपको इतने क्वेश्चन ही करना काफी होगा, आपको ज्यादा करने का नीड नहीं है। सो इन 2000 क्वेश्चन में कौन कौन से क्वेश्चन है? ऑफ कोर्स जो सीसेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, उसके अलावा जो यूपीएससी के बाकी एग्जाम्स के क्वेश्चन है जैसे CISF, CAPF, NDA, CDS, यूपीएससी के रिक्रूटमेंट एग्जाम्स जैसे APFC, ALC, EPFO, etc. तो वो सारे सवाल हमने इन 2000 क्वेश्चन में लिए हैं, प्लस कुछ नए सवाल भी हम लोगों ने डाले हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बाकी यूपीएससी एग्जाम के सारे सवाल हम लोगों ने डाल दिए। ऑफ कोर्स ओनली दोज क्वेश्चंस हैव बीन इंक्लूडेड व्हिच आर रिलेवेंट टू यू। फॉर एग्जांपल CDS के पेपर में तुम लोगों को ट्रिग्नोमेट्री भी आता है, पर ट्रिग्नोमेट्री तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, तो हमने ट्रिग्नोमेट्री के सवाल CDS के पेपर से हटा दिए और तभी हमने आपको दिया हुआ। सो कहने का मतलब है कि ये जो 2000 सवाल हैं, दे आर सफिशिएंट एंड दे विल गिव यू अ वेरी गुड कवरेज। अगर आप इतने सवाल अच्छे से कर लेते हो, यू विल फील वेरी कॉन्फिडेंट अपने सीसेट को क्वालिफाई करने के लिए। सो दिस इज स्टेप नंबर 2। अगेन गाइज, हम आपको 5,000-10,000 सवाल भी दे सकते थे, बट दैट इज नॉट आइडिया। आइडिया इज कि कैसे विद मिनिमम एफर्ट हमारी कैपेबिलिटी वहां चली जाए कि हमारा सीसेट क्वालिफाई हो जाए। लेट्स कम टू स्टेप नंबर 3 नाउ। सो इन स्टेप नंबर 3 फाइनली यू विल गो थ्रू मॉक टेस्ट। सो मॉक टेस्ट का क्या ऑब्जेक्टिव है? सो मॉक टेस्ट में कुछ नया सीखने वाला बात नहीं है, वो तो आप स्टेप नंबर 1 और 2 में सीख चुके हो। द ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉक टेस्ट इज एग्जाम वाले दिन के लिए टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, और ये वाली बात कैसे सीखना कि एलिमिनेट कैसे करना है, ये कैसे सीखना कि हम एक मुश्किल सवाल पे हम लोग स्टक नहीं होंगे और सारा टाइम हमने वेस्ट कर दिया। सो हाउ टू डेवलप दिस हैबिट ऑफ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन अगर एक हमें नहीं आता तो। सो एग्जाम वाले दिन के लिए कुछ जो चीजें होती हैं, दोज यू विल लर्न थ्रू दीज मॉक टेस्ट्स। सो गाइज, व्हाट इज द स्टोरी? स्टोरी इज अगर आप मैथ्स पैरेटस के साथ ये तीनों स्टेप अच्छे से कर लेते हो, ये अप्रोक्सीमेटली 50 घंटे का मेहनत हमारे साथ कर लेते हो, इसके अलावा आपको कोई दूसरा बुक छूने का जरूरत नहीं है, कोई प्रीवियस ईयर पेपर भी तुम लोगों को नहीं करना है, नथिंग एल्स, कुछ और नहीं छूना है, कोई MBA वाला किताब, कोई RD शर्मा, कुछ नहीं छूना है, जो हमने आपको दिया है बस उतना ही करना है, एंड यू कैन बी कॉन्फिडेंट कि तुम्हारा सीसेट क्वालिफाई हो जाएगा और विद मिनिमम एफर्ट, ताकि आप बाकी मैक्सिमम टाइम अपना पेपर वन में लगा पाओ और अपना GS पेपर वन का स्कोर आप मैक्सिमाइज कर पाओ। नाउ इफ यू आर इंटरेस्टेड तो क्या करना है? सबसे पहले गो टू वेबसाइट ऑफ मैथ्स पैरेटस,
वेबसाइट पे जाके पूरे प्रोग्राम का स्ट्रक्चर एक बार स्क्रॉल डाउन करके समझ लीजिए। वेबसाइट पर ही कुछ क्लासेस का रिकॉर्डेड वीडियो हम लोगों ने डाल दिया, विच आर एक्चुअल क्लासेस ओनली। एक दो वीडियो भी चला के आधा आधा घंटा देख लीजिए कि हम किस तरह क्लास में पढ़ाते हैं एंड वेदर यू आर लाइकिंग इट और नॉट, रादर वेदर यू आर लर्निंग इट फ्रॉम दैट और नॉट। उसके बाद इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन पे ऑनलाइन थ्रू वेबसाइट ओनली, बाकी पूरा डिटेल लिखा हुआ है कि पे करने के बाद क्या क्या होगा। इफ यू वांट टू स्पीक टू अस यू आर वेलकम, यू कैन कॉल अस एनी टाइम, द मोबाइल नंबर इज गिवन। ऑल्सो देर इज अ लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, इफ यू क्लिक ऑन दैट लिंक दैट विल कनेक्ट यू विद अवर टीम वाया व्हाट्सएप। आप उसको क्लिक कर दीजिए, गेट कनेक्टेड वाया व्हाट्सएप, शेयर व्हाटएवर यू वांट टू शेयर एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑल द बेस्ट।